अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मारिया अरशद हियर एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फिलिक्स। एज वी आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ वेरियस एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक आइसोमेरिज्म फॉर एनएमटी कैट प्रिपरेशन एंड दिस इज अवर पार्ट टू। इन दिस वीडियो वी विल डू सम मोर एमसीक्यूज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Our question is, which of the following is not a type of structural isomerism? So as we know, isomerism ki do types hoti hain. Number one is structural isomerism and number two is stereoisomerism. Ab jo structural isomerism hota hai, iski further division hoti hai, jisme chain isomerism aa jata hai hamare paas, tautomerism, टोटोमेरिज्म आ जाता है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म आ जाता है। जबकि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, दिस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, दैट इज सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस एंड ट्रांस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हुआ, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म है, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इट इज टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो आवर आंसर इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अब हम देखते हैं, तो जो पहला वाला है ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं, मींस दो सेम ग्रुप अटैच है, सो इस वजह से ये शो नहीं करेगा। अब अगर नेक्स्ट बी वाला ऑप्शन देखें, तो इसमें हमारे पास क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक जो है वो CH3 लगा हुआ है, और यहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच है और एक क्या है, प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। सो इट मींस के बी वाला जो है वो शो करेगा, ये वाला भी शो करेगा। उसके बाद अगर थर्ड वाला एमसीक्यूज देखें, तो इसमें क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ब्रोमीन एक तरफ अटैच है और एक तरफ क्या है, मीथाइल, मींस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। और यहां पे अगर हम देखें, तो इसमें भी क्या है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसमें भी क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। सो ये वाला भी जो है वो आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो हमारा आंसर क्या हुआ, बोथ बी एंड सी दोनों जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो मेटामेरिज्म। सो मेटामेरिज्म का, जैसे हम लोगों को पता है कि मेटामेरिज्म बेसिकली क्या होता है, दो ऐसे आइसोमर्स जिनके फंक्शनल ग्रुप के साइड्स पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन हो, उनको हम कहते हैं मेटामर्स। अब अगर हम देखें, तो ये तो क्या है, एल्कीन्स है, एंड एल्कीन्स डू नॉट शो मेटामेरिज्म, जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है, उसमें क्या है, बेसिकली एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, सो ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। और ये क्या है, एल्केन है, इनमें तो एज सच कोई फंक्शनल ग्रुप ही मौजूद नहीं है, सो इस वजह से ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो आंसर हमारा क्या है, और आंसर इज डी। डी क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है बीच में इन दोनों में, और इन दोनों के क्या है कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, दीज बोथ आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, सो ये हमारा क्या है, आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट शो पोजिशन आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो। अब अगर हम देखें, तो फर्स्ट वन इज डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ अगर दो क्लोरीन लग जाए तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है। ब्यूटीन, ब्यूटीन जो होगा वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पे भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। एक है हमारे पास प्रोपेनोल, प्रोपेनोल जो होता है वो भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि OH जो है जगह पर लगे तब एक और आइसोमर बनेगा, और अगर OH यहां पर लगे तो दूसरा आइसोमर बन जाएगा। और फाइनल हमारा आंसर एक है हमारे पास प्रोपीन, जो कि हमारा आंसर है। प्रोपीन क्यों है, प्रोपीन विल नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्यों, क्योंकि प्रोपीन में बेसिकली क्या होता है, डबल बॉन्ड, अगर मैं यहां पर डबल बॉन्ड लगाऊं
तब भी आंसर वही रहेगा, और अगर मैं ये डबल बॉन्ड इस जगह पे कर दूं तब भी मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दूंगी, मींस आंसर विल बी द सेम। जहां मर्जी डबल बॉन्ड, अगर मैं इधर डबल बॉन्ड लगाती हूँ तो मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दूंगी, वन प्रोपीन मैं कह दूंगी, और अगर मैं इधर डबल बॉन्ड लगाऊंगी तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दूंगी, तब भी क्या हुआ, वन प्रोपीन। सो इट मींस प्रोपीन जो है इट विल नॉट शो द पोजीशन आइसो मेरिज्म, सो वन आंसर इज प्रोपीन। अच्छा एक अगर मैं हिंट देती जाऊं यहां पर, तो हिंट अगर मैं यहां पर एक दूं, इसमें हम लोग कहते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होने के लिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म मींस अगर होनी हो किसी कंपाउंड में, पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए जो अल्कीन्स हैं उनमें एट लीस्ट 4 कार्बन होने चाहिए। अल्कीन्स में कितने कार्बन होने चाहिए, 4। अल्कीन्स में एट लीस्ट 4 कार्बन होने चाहिए, और अगर कोई और जैसे कि हमारे पास अल्कोहल हो गए, अल्काइल हैलाइड्स वगैरह आ गए, अल्कोहल है अगर तो अल्कोहल वगैरह में एट लीस्ट 3 कार्बन होने जरूरी हैं, 3 कार्बन अल्कोहल में पोजीशन आइसोमेरिज्म होने के लिए एट लीस्ट 3 कार्बन जो है वो होने जरूरी हैं। सो प्रोपीन जो था इसमें अब 3 कार्बन थे, सो अल्कीन में कम से कम जो होते हैं वो 4 कार्बन होने चाहिए पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए, सो इस वजह से पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। उसके बाद है विच फॉर्मूला कुड रिप्रेजेंट अ कंपाउंड विच हैज अ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बेसिकली अल्कीन्स में होती है और साइक्लो अल्केन्स में होती है। अल्कीन्स में यहां पर लेकिन क्या कोई साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं, सो इट मींस के क्या है अल्कीन्स में होगी। सो अल्कीन्स का जैसे कि हम लोगों को पता है अगर एम कैट में आए सो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इन सब का स्ट्रक्चर बना के देखें। सो एक हिंट है कि जैसे कि सिस ट्रांस जो होती है हम लोगों को पता है कि ये एक अल्कीन में होती है और एक इसमें होती है साइक्लो अल्केन्स में, सो अब इसमें कोई साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं, तो ये क्या है सारे, अब इनमें से कोई एक अल्कीन होगा तो उसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होगी। तो अल्कीन को चेक करने के लिए जैसे कि हम लोगों को पता है कि क्या फॉर्मूला होता है CnH2n। अब यहां पर जितने भी कंपाउंड्स बने हुए हैं इनमें क्या है C2, सो अगर हम यहां पे देखें C2 और H2 2s are 4, इट मींस के जो दो कार्बन हैं उनके साथ 4 एटम्स होने चाहिए। सो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड देखें तो कार्बन तो दो हैं लेकिन इसके साथ एटम्स और कितने अटैच हैं, 8 एटम अटैच हैं, और अगर इसमें हम तो ये तो है ही नहीं। उसके बाद अगर हम इसको देखें दो कार्बन हैं और जो एटम्स अटैच हैं वो भी कितने हैं, वो 4 हैं, मींस इट इज अल्कीन, ये अल्कीन है, लेकिन ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन हैं और 3 हाइड्रोजन होने का मतलब ये है कि C डबल बॉन्ड C है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक इधर, मींस एक कार्बन के साथ दो सेम एटम आ गए हैं, सो इस वजह से ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और अगर ये वाला देखें तो इसमें क्या है C2 है और इसके साथ कितने लगे हुए हैं एटम, 6 एटम लगे हुए हैं, तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। रीजन इसकी क्या है, द रीजन इज दैट के सी डबल बॉन्ड सी, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना ले सी डबल बॉन्ड सी, एक एच लगा हुआ है इधर, ये यहाँ पे क्या आ गया सी एल आ गया, और इसी तरह से यहाँ पे एक एच हो गया और ये क्या है सी एल हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन भी है, डबल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्डेड के कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, सो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इस वजह से हमारा आंसर जो है वो ये वाला है। सो हिंट क्या थी बेसिकली कि सबसे पहले हम लोगों ने देख लेना है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें अल्कीन कौन सा है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखना है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन हो उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़ाइलीन हैज पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर। तो सबसे पहले तो हमें ज़ाइलीन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली ज़ाइलीन। ज़ाइलीन हमारे पास क्या होता है कि बेंजीन रिंग होता है और दो मिथाइल इसके साथ अटैच होते हैं, सो इससे ही हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसे इतने नंबर ऑफ आइसोमर्स बन सकते हैं। तो इसके अगर हम देखें तो इसके 3 ही आइसोमर्स बन सकते हैं। अगर ये वाला मिथाइल ग्रुप इस पोजिशन पर अटैच हो
सो इट इज ऑर्थो, इट इज ऑर्थो. और अगर ये वाला, अगर यही वाला मिथाइल अगर इस पोजीशन पर अटैच हो तो मेटा, और अगर इस पोजीशन पर अटैच हो तो पैरा. इट मींस कितने आइसोमर बन सकते हैं इसके, तीन ही आइसोमर इसके बन सकते हैं. और अगर यहां पर अटैच हो जाए फर्दर, ये फिर क्या बन जाएगा, मेटा. और यहां पर अगर अटैच हो जाए तो ऑर्थो. सो इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, तीन ही इसके पॉसिबल आइसोमर्स हैं. सो आंसर इज थ्री. उसके बाद है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड. तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से होती है उसको हम लोग कहते हैं टॉटोमेरिज्म. सो आवर आंसर इज टॉटोमेरिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज The type of isomerism which arises due to the difference in the nature of the carbon chain. ये तो हम लोगों को चीजें रट जानी चाहिए. तो जो nature of the carbon chain में difference की वजह से होती है उसको हम कहते हैं chain isomerism. उसके बाद है जी, ethoxy ethane and methoxy propane. क्या चीजें हैं, ethoxy ethane and methoxy propane. शो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, मेटामेरिज्म. मीन्स इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में मेटामर्स क्यों होते हैं. अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, इथॉक्सी इथेन क्या है, C2H5 और O, और यहां पे भी क्या है, C2H5. यह है इथॉक्सी इथेन. और मिथॉक्सी प्रोपेन हमारे पास क्या है, CH3O और C3, ये क्या है, O और C3H7. ये हमारे पास क्या है, मिथॉक्सी. तो इसमें अगर हम देखें कि फंक्शनल ग्रुप के साइड्स पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन है तो इसी चीज को हम कहते हैं मेटामेरिज्म. सो इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अब अगर हम देख लें तो ये सारे हमारे पास क्या है, ऑप्शन 1 pentene, 2 methyl pentene, 2 pentene एंड 2 methyl 2 butene. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पेंटीन. तो एक मैं पिछली वीडियो में एक हिंट दे चुकी हूँ कि जिसके साथ वन लगा हो वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, कि वन के साथ बेसिकली दो हाइड्रोजन सेम एटम्स होते हैं वो डिफरेंट अटैच हो जाते हैं. सेम एटम्स होते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, सेम एटम अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से ये शो नहीं कर सकता, वन पेंटीन नहीं करेगा. उसके बाद है 2 methyl pentene. 2 methyl pentene को अगर हम देखें तो यहां पर डबल बॉन्ड अटैच है और 2 पोजीशन पर हमारे पास मिथाइल भी लगा हुआ है. तो इसमें भी क्या होगा कि एक मिथाइल ये अटैच है और एक मिथाइल ये, मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो सेम एटम्स अटैच हैं, दो सेम ग्रुप अटैच हैं, सो इस वजह से ये भी शो नहीं करेगा. नेक्स्ट इज 2 pentene. तो 2 pentene जस्ट यहां पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है, जस्ट 2 pentene वही है और ये हमारे पास क्या है, 2 CH3 एक तरफ क्या लगा होगा, हाइड्रोजन. तो ये जो होगा ये 2 pentene, ये हमारे पास है 2 pentene. इट विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड अटैच है, दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स जो हैं उनके साथ दो डिफरेंट एटम्स अटैच हैं, इसमें भी और इसमें भी. सो इस वजह से हमारा आंसर क्या हुआ, 2 pentene. 2 pentene जो होगा इट विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो ये था हमारा पार्ट 2 और इसमें हम लोगों ने कुछ MCQs को डिस्कस किया है. आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQs आइसोमेरिज्म के टॉपिक से ही डिस्कस करेंगे. सो गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो इफ यू लाइक इट. स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.